नाजरीन में आपका खैर मकदम है पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर अठारहवें समिट का रियासत में सरमाकारी के वसी मौके चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और मरकजी वजीर आनंद शर्मा का खिताब मध्य प्रदेश में हुकूमत की जानब से सूर्य नमस्कार को अमली जमा पहनाने की कोशिश पर दिग्विजय सिंह ने किया बरहमी का इजहार मरकजी काबीना ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के क्याम को दी मंजूरी पाकिस्तान के सदर आसिफ अलीस दरदारी मुल्क की गैर यकीनी हाल के दौरान दुबई रवाना इमरान खान ने फौजी बगावत की हिमायत न करने का किया ऐलान शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी फ्रांसीसी सहाफी फायरिंग में हलाक बशर उद ने हालात के लिए फिर बैरूनी ताकतों को करार दिया जिम्मेदार अमरीकी मैरिन की जानब ऐसी महलूक तालिबान की लाशों की तोहन की तहकीकत कराने अमरीकी फौज ने किया ऐलान और टीम इंडिया के कप्तान एम एस धोनी ने 2013 तक टेस्ट क्रिकेट से सुबुक दोषी का दिया इशारा सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें अठारहवें बेवी पार्टनरशिप समिट का अफ्ताह आज अमल में आया अफ्ताही अजलास से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने अमरीका और जापान के माशी बहरान के दौरान दूसरे ममालिक से उसका फायदा उठाए जाने के इल्जाम को मुस्रद कर दिया आनंद शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान में कई चैलेंजेस के बावजूद भी सरमाकारी के वसी तर मौके हैं उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर एशियाई ममालिक नाजुक हालात में भी काफी तरक्की की है उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश ने फार्मेसी और आईटी के अलावा तिब्बी खिदमत में गैर मामूली तरक्की की है चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश एक बड़ी माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है और रियासत में सरमाकारी के वसी तर मौके पाए जाते हैं उन्होंने कहा कि गुरबत के खात्मे के लिए तरक्की जरूरी है और मजीद सरमाकारी से तरक्की हो सकती है उन्होंने बैरूनी सरमाकारों से रियासत में सरमाकारी करने की दरख्वास की इस समिट में त्रियालीस मालिक के तकरीबन पंद्रह सौ तजारती मंदूबिन शिरकत कर रहे हैं और दो सौ तैतीस में पांच लाख करोड़ की सरमाकारी का इम्कान है Incidentally, Andhra Pradesh is the third largest economy in the country and richly endowed with natural resources and competitive advantage with limitless opportunities to invest. Economic uncertainties characterized by low level of growth, higher level of inflation mainly fueled by increase in global fuel and commodity prices, dwelling reserves of the government, and rising unemployment. देशम तेल तेलंगाना फोरम के कायदीन का आज इजलास मनदिद हुआ इजलास में अलहदा तेलंगाना एहतजाज पर आइंदा के लाह पर तबादले ख्याल किया गया फोरम के क़ायदीन ने मसले तेलंगाना पर अवामी शूर बेदार करने के लिए तेलंगाना के तमाम अजला और मंडलों के दौरे का फैसला किया है इजलास में मरकजी हुकूमत से पनाहीता चेवड़ला प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिलाने के लिए नुमाइंदगी का भी फैसला किया गया आरमोर में किसानों के लिए की जा रही वाई कांग्रेस पार्टी के सरबरा और कल्पा रुकने पार्लियामेंट वाई एस जगनमोहन रेड्डी की भूख हड़ताल आज आखिरी दिन में दाखिल हो गई है जगन के हामियों ने दावा किया है कि तमाम तबक से ताल्लुक रखने वाले आवाम की भूख हड़ताल को ताइद हासिल हुई है जगन के भूख हड़ताली कैम्प के पास मौफ तेलंगाना कारकुनों को एहतजाज करने पर हिरासत में ले लिया गया आज शाम वाई एस जगनमोहन रेड्डी इस भूख भूखड़ताली कैम्प से खसूसी खिताब करेंगे जिसके बाद भूख हड़ताल कैम्प का अखता अमल में आएगा आर टी सी के सबक सदर नशी जी प्रकाश राव ने पेश कयासी की है कि जिमनी इंतख्या के बाद तेलुगु देशम पार्टी बहरान से दो चार हो जाएगी मीडिया से बात करते हुए जी प्रकाश राव ने कहा कि अगर चौबीस असम्बली हल्काजात में जिमनी इंतखबित होते हैं तो तेरह नशितों पर तेलगुदेशम की जमानत जब्त हो जाएगी उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू हर रोज एक नई बात कहकर अवाम को सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू जहनी दीवाली का भी शिकार हो चुके हैं इकतदार के लिए चंद्रबाबू नायडू किसी हद तक भी गिर सकते हैं मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली के ईश्वर ने यह बात कही उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अहदे के लिए चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को भी धोखा दे सकते हैं उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्हु की जानी से टीआरएस सरबरा के सी आर पर लगाए जा रहे इल्जाम की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर एम नरसिम्हु के पास इल्जाम साबित करने के लिए शवाहद मौजूद हैं तो उन्हें पेश करना चाहिए वरना आवाम उन्हें सबक सिखाएंगे करीमनगर में पेश आए सड़क के खौफनाक हादसे में चार अफरा हलाक हो गए हैं जबकि हादसे में चार अफराज शदीद जख्मी भी हुए हैं ज़राए के मुताबिक आदिलाबाद के साकिन कुमार अपने अफराद खानदान के साथ इंडिका कार में आ रहे थे कि करीमनगर के धर्मावरा मंडल के पास उनकी कार दरख्त से जा टकर हादसे में कुमार और उनके खानदान के चार अफरा बरसरे मौक हलाक हो गए जख्मियों को खरीबी हॉस्पिटल में शरीक करा दिया गया है पुलिस वाकई की तहकीक़ कर रही है ओबरापुरम गैरकानूनी कंकन स्कैम के मुकदमे की समाज कर रही खसूसी सी बी आई अदालत ने अहम मुलजमी गाली जनार्दन रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी और राजगोपाल की अदालती तहवील में पच्चीस जनवरी तक की तोसी कर दी है अदालत ने मुलजमन की जानब से जमानत की दरख्वास्त भी दाखिल की गई थी तहम अदालत ने समात को पच्चीस जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर से बीस हजार रुपए रिश्वत लेने वाले वालेदार को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है जिला के मुताबिक महक में रेलवे का अहदेदार वी वी राव सीजन के दौरान एजेंटों के जरिए टिकट ब्लैक में फरोख कर रहा था राव के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उस पर नजर रखी जा रही थी और आज उससे गिरफ्तार कर दिया गया अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर मरकजी काबिना की सिक्योरिटी कमेटी ने आज वजारत दाखिला की जानब से दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल काउंटर टेरोरिज्म सेंटर के क्याम के मनसूबे को मंजूरी दे दी है काबिना की सिक्योरिटी कमेटी की जानव से मंजूरी के बाद एनसीटीसी दीगर तहकीकती एजेंसियों जैसे आई बी रॉ और जी आई सी के साथ मिलकर दहशतगर्द सरगर्मियों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी एन सी टी सी एन आई ए के साथ भी रता रखेगी इस कमेटी को मल्टी एजेंसी सेंटर से मजबूत किया जाएगा और तमाम एजेंसियां इससे तहकी में रहेंगी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतबा के पहले मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलामिया जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के 10 अजला की 55 नशिस्तों पर 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे इस मरहल में 15 सबक वजरा तीन मौजूदा वजरा और 31 मौजूदा अरकाना असेंबली की किस्मत का फैसला होगा है कि 2007 के असमली इंतबाब में 55 नशिस्तों में से कांग्रेस ने सिर्फ तीन नशिस्तें हासिल की थी लेकिन इस बार कांग्रेस की जानव से जायद नशिस्तों के हसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी ने 2007 के इंतबात में 55 में से 18 नशितें हासिल की थी जबकि बीजेपी को भी सिर्फ चार नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी 2007 के असमली इंतबाब में मायावती की बीएसपी ने 55 में से 30 नशिस्तें हासिल की थी कुलहन कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश हुकूमत की जानी से सूर्य नमस्कार को अमली शक्ल दिए जाने की कोशिशों को शदी तनकीद का निशाना बनाया है मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सूर्य नमस्कार को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को अवाम को गुमराह करने के बजाय बेरोजगारी महंगाई और बदनवानियों से निपटने के लिए कोशिशें करने का मशवरा दिया मुद्दे हैं प्रदेश में कुपोषण बढ़ रहा है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है लोगों को खाद मिल नहीं रहा है बिजली मिल नहीं रही है और मुख्यमंत्री जी विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं सूर्य नमस्कार का जैसे कि कहीं दूसरे देशों में सूर्य नमस्कार होता हो ये केवल जनता को गुमराह करने की प्रक्रिया है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान एम एस धोनी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए इशारा दिया है कि अगर वो 2015 के वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो वो 2013 तक टेस्ट क्रिकेट से सुबुकदोशी इख्तियार कर लेंगे पर्थ में मीडिया से बात करते हुए एम एस धोनी ने कहा कि अगर उन्हें दो के वर्ल्ड कप में खेलना है तो उन्हें टेस्ट क्रिकेट से सुबुदोषी इख्तियार करनी चाहिए एम एस धोनी जिन्होंने अब तक छसठ टेस्ट खेल चुके हैं और उन्होंने छत्तीस टेस्ट मैचेस में कप्तानी की जिसमें सत्रह टेस्ट मैचेस में हिंदुस्तानी टीम को कामयाबी हासिल हुई है है से पहले धोनी ने यह कहा था कि अगर उन्हें 2015 के वर्ल्ड कप में खेलना पड़ा तो टेस्ट क्रिकेट से के लिए 2013 तक अपना कतई फैसला करेंगे पाकिस्तान में जारी गैर यकीनी सियासी हालात के दौरान पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा खानगी दौरे पर दुबई रवाना हो गए हैं पाकिस्तानी जरा अब्लाग ने अफगान सदर के तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर के हवाले से यह खबर दी है जरा के मुताबिक बाबर ने यह भी कहा कि सदर जरदारी चौबीस घंटों में पाकिस्तान लौट आएंगे वाज रहे के दो दिन कबल पीपल्स पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर कराची डिवीजन के सदर फैसल रजा आबेदी ने कहा था कि जरदारी मुल्क के सरबरा हैं और वो जब चाहें मुल्क से जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं वाजिर है कि दिसंबर में आसिफ अली जरदारी के अचानक इलाज के लिए दुबई चले जाने से उनके इस्तीफे की क्या यहां शुरू हो गई थी ताहम खरीज में मौजूद पाकिस्तानी ज़राए ने कहा कि पाकिस्तानी सदर के दौरे पर कई शबाहात पाए जाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के हुकाम ने बताया कि आसिफ अली जरदारी तिब्बी मायने के लिए दुबई रवाना हुए हैं उधर अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागॉन ने बताया कि अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल मार्टिन डेविस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज के यानी से टेलीफोन पर रहा किया है और उमूर पर तबादला ख्याल किया है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेंडागान के तर्जमान जॉर्ज लिटिल ने पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमरीका पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा वो बर्खास्त किए जाने पर राय नहीं दे सकता पेंडागॉन के तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान के साथ अमरीका ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए कोशा है और ये कोशिशें भी जारी रहेंगी उन्होंने बताया कि अल्हदा को खत्म करना अमरीका की यह बड़ी तरजीह है तर्जुमान ने बताया कि अलकायदा ने न सिर्फ अमरीका हो बल्कि पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान में जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबरा इमरान खान ने मौजूदा हालात के लिए मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को भी जिम्मेदार करार दिया है इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी फौजी बगावत की हिमायत नहीं करेगी उन्होंने कहा कि अवाम तब भी चाहते हैं और सदर आसिफ वाली जरदारी को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा कि अवाम में अब सियासी शूर आ चुका है और जमहूरियत में हर किसी का एहतसाब होना चाहिए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है हुकूमत को उसकी बात माननी चाहिए और यही जमहूरीत की निशानी है इमरान खान ने कहा कि अध्या को किसी सियासी पार्टी ने नहीं बल्कि अवाम ने आजाद करवाया है और अगर अदालत के खिलाफ साजिश हुई तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर उतर आएगी जाने वाले तो ये हैं इस गवर्नमेंट को यहाँ बचाने वाले इनके साथ हम कैसे मिलेंगे ये तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ये निजाम बचाना चाहते हैं ना ये तसाब चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी तसाब चाहती है अभी ये जो रमान मलिक ने स्टेटमेंट दिए हैं कि हम इनके केसेज सामने लेके आएंगे पहले क्यों नहीं केसेज सामने ला रहे थे क्योंकि इनके इनके इनका समझौता हुआ हुआ था नूरा कुश्ती खेल रहे थे ये सारा ड्रामा भी हुआ तरीके इंसाफ़ की से के खौफ से इसलिए हम इनके साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे बाकी सारी जमातों का हम कॉन्टेक्ट करेंगे पाकिस्तान के शोबे बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में बम हमले और फायरिंग के वाके में फ्रंटियर कोर के चौदह मुलाजमान हलाक हो गए हैं बलूच मजातकारों ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है बलूचिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक कोयटा से सात सौ किलोमीटर के फासले पर वाक़ तहसील बलिदा में नामालू मुसल्हर ने फ्रंटियर कोर के काफले पर बमों से हमला किया जिसमें दो आलादेदारों के बशमूल चौदह मुलाजमी हलाक हो गए जबकि पंद्रह जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है मुकामी इंतजामिया ने बताया कि पाकिस्तान ईरान की सरहद के करीब तुर्बत के इलाके में रिमोट कंट्रोल बम से फौजी काफले पर हमला किया गया और दोनों जानी से काफी देर तक फायरिंग का तबादला भी जारी रहा जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है अमेरिकी फौज के हुकाम ने कहा है कि वो इस वीडियो के बारे में तहकीकत कर रहे हैं जिसमें चार मैरीज को अफगानिस्तान में तालिबान की लाशों की बेहरमती करते हुए दिखाया गया है फौज का कहना है कि वीडियो में जो मंजर दिखाया गया है वो उनके अखदार से मुताबिकत नहीं रखता इस वीडियो को इंटरनेट साइट्स पर भी अपलोड कर दिया गया है लेकिन अभी तक यह मालूम नहीं हो कि किसने भेजी है की जाएंगी और अफराध की शिनाख्त की भी कोशिश की जा रही है इस वीडियो में दिखाया गया है कि फौजी वर्दी में मलबूज चार अमरीकी दाढ़ी वाले तालिबान की लाशों पर पेशाब कर रहे हैं और जमीन पर पड़ी हुई तीन लाशों में से एक की लाश खून में लुतपुत भी नजर आई पेंटागन के मैरिन कवर ने ए को अपने बयान में कहा है कि जो मुनासर वीडियो में दिखाए गए हैं वो हमारे अख़दार से मेल नहीं खाते और न ही ये हमारे फौजियों के किरदार की अक्कासी करते हैं ताहम इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जाएगी अमेरिका ने तेहरान में चारशंबे को हुए बम धमाके में ईरानी जौहरी सांसदा की हलाकत की शीदी मजम्मत की है चारशंबे को मीडिया से बात करते हुए अमेरिका की वजी खारजा हिलारी क्लिंटन ने ईरानी सांसद के कत्ल में अमेरिका के किसी भी तरह के रोल को मुस्तरद कर दिया है अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं था उन्होंने कहा कि अमरीका तशद की तमाम वाकत की सख्ती से मजम्मत करता है उन्होंने ईरानी जौहरी सांसद अहमदी रोशन की हलाकत को वहशियना कार्रवाई भी करार दिया उधर ईरान ने अपने जौहरी सांसद के कतल के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार दिया है प्रोलिमिन वेदर दिस कैन बी सक्सेसफुल एंड वी रिमेन टू दाइड ने Uh, both the Afghan government and the international community uh, must see the insurgents renounce violence, break with Al Qaeda, and support the laws and constitution uh, of. Uh, उधर ईरान ने सलामती काउंसिल और अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मोन पर भी जोर दिया है कि वह ईरानी जौहरी सांजना के कत्ल की मजम्मत करें ईरान के बत्तीस साल जौहरी सांजना मुस्तफा अहमद यौशन चाहरशंबिक को तहरान में एक हमले में हलाक हो गए थे ईरानी हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने उनकी गाड़ी को मखनातीसी बम से निशाना बनाया था ईरान ने अपने जौहरी साजना के कत्ल को जालिमाना गैर इंसानी और दहशतगर्द की मुजरिमाना कार्रवाई करार दिया है अकवा मुतह में तैनात ईरान के सफीर मोहम्मद खजाई ने अव मुतह के सेक्रेटरी जनरल बानकी मोन और पंद्रह रुकनी सलामती कौंसल से अपील की है कि वैसी कार्रवाईओं की मजम्मत करते हुए हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें ईरान के साथ बढ़ते हुए कशीदा तल्लु के दौरान अमरीका का एक दूसरा बहरी जहाज खलीज में पहुंच गया है तहां पेंडगान ने इसे मामूल की आमद करार दिया है इस बहरी जहाज के साथ एक डिस्ट्रॉयर और अस्सी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं यह बहरी जहाज इससे दूसरे जहाज की जगह लेगा अभी वो खलीज में ही मौजूद है अमरीकी बहरिया के मुताबिक बहर हिंद में मौजूद एक तीसरा बहरी जहाज़ भी खलीज की जानी पड़ रहा है ईरान के मुतनाजा जौहरी प्रोग्राम पर पाई जाने वाली कशीदी के तनाजर में इन बहरी जहाज़ों की खलीज में आमद को गैर मामूली करार दिया जा रहा है शाम के शोरीजदा शहर हमस में एक रॉकेट हमले में फ्रांसीसी सहाफ़ी के बशमूल आठ अफराद हलाक हो गए हैं फ्रांस ने शाम से सहाफी की हलाकत की तहकीकत का मुतालबा किया है इस दौरान अरब लीग ने शाम के शहर अलाजकिया में अरब मुबसर मशीन पर हमलों के बाद मजीद मुबसन को शाम रवानगी न करने का फैसला किया है अरब लीग के एक सीनियर अहदेदार ने नाम ज़ाहिर न ना करने की शरत पर बताया कि अरब लीग शाम के मौजूदा हालात के बायस दमिश को मजीद मुबसर रवाना नहीं करेगा अपने हजारों हामियों के सामने नमूदार हुए और खिताब करते हुए कहा कि शाम के खिलाफ साजिश करने वालों को नाकामी सीधो चार होना पड़ेगा दमिश के वस्त में वाक उमैया चौक में नमूदारी के वक्त बशर असद की अहलिया असमा और उनके दोनों बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि शाम में की जा रही साजिशों में गैर मुल्की भी शामिल हैं और ऐसी सरगर्मियों से सख्ती से निपटा जाएगा बे में खाएं बदनाम जमाना अमरीकी फौजी कैदखाने के 10 साल मुकम्मल होने पर व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मजाहरा किया गया गौंतान बोबे की मुखालफत करने वाले मजाहरीन ने वाइट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहती रैली निकाली रैली में शामिल कई शुरुआ क कैदियों जैसे लिबास पहने और सर पर काले डब्बे चढ़ाए हुए शरीक हुए मजाहरीन का कहना था कि गौतान बोबे में कैदियों से गैर इंसानी सलूक किया जाता है उन्हें पिंजरों में रखा जाता है और उन पर जहनी और जिसमानी तशद भी किया जाता है मजाहरीन का मतालबा था कि बदनाम जवाना अजियत गाह गौतानबे को फौरी बंद किया जाए इस सिलसिले में आज अमरीका में तवील इंसानी जंजीर बनाकर एहतजाज भी किया जा रहा है और दुनिया भर में भी इस सिलसिले में एहतजाज किया जा रहा है अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने जनवरी दो हजार दस को बंद करने का हुक्म दिया था अब तक उस पर अमल नहीं किया गया है नाइजीरिया की शिद्दत पसंद मुस्लिम तंजीम बोकोहराम ने ईसाइयों की हालिया हलाकतों को मुनसिफाना करार देते हुए इंतबा दिया कि सदर नाइजीरिया बोकोहराम के बोको हराम हमलों को रोक नहीं पाएंगे अपने 15 मिनट के वीडियो प्रयाम में बोकोहराम के रहनमा अबू बकर शिकाओ ने कहा कि ईसाइयों के खिलाफ हमारे हमले इंतवाइया हैं और सदर गुडलक जोनाथन हमारी मजामत को रोकने की ताकत नहीं रखते अपने बयान में अबू बकर शिकाओ ने यह भी कहा कि हर कोई जानता है कि ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ क्या किया है हम पर हमले किए गए हैं और अब हमने अपना दिफा करने का फैसला किया है क्योंकि हम हक पर हैं और अल्लाह हमारे हमारे काम में मजीद ताकत देगा नाइजीरिया के सदर को मुखाब होते हुए अबू बकर शिकाओ ने कहा कि तुम ये जानते हो हमें रोकना तुम्हारे अख्तियार से बाहर है और तुमने जिस तरह से हमारे कायदीन को हला किया है हम उसी का इंतकाम ले रहे हैं इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा अल्लाह हाफिज़